वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 जून 2023, और 27 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्रोत सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, और किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे ये करंट की क्लास रोजाना आपको लाइव मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। साहित्य अकादमी ने इस साल के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार किन को प्रदान किया? तो ये युवा साहित्य पुरस्कार है वो अतुल कुमार रॉय, और बाल साहित्य पुरस्कार है वो सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? ये किया है अमित शाह ने। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी? तो ये करेगी गुजरात के अंदर। किस लिमिटेड को मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला? तो ये मिला है एनटीपीसी को। किस देश की राजधानी वियना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर माना गया? तो वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सबसे उत्तम शहर माना गया। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है तेलंगाना में। लार्सन एंड टुब्रो ने किस संगठन के साथ भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंटेड प्रोफेसर सिस्टम बनाने के लिए एक्शन दर्ज की? तो ये की है डीआरडीओ ने। किन दो देशों ने एक नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया? तो ये किया है भारत और है अमेरिका ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, और जो मैंने पिछली ऐप और पोर्टल मैंने आपको करवाए महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन करवाए, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्रोत सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कल सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा करने के बाद अब 2 दिन की मिस्र की यात्रा पर रहे थे। तो वहां पर मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को स्रोत सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो ये मिस्र देश का सबसे सर्वोच्च ये सम्मान है जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। देखो, मिस्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से अलंकृत किया है। यह मोदी को मिला 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। तो हमारे देश के मोदी जी को क्या है, प्रधानमंत्री जी को यह 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिला है। इसी बीच मिस्र ने ऐलान किया कि मिस्र कैबिनेट में इंडिया यूनिट बनेगी। मिस्र कैबिनेट के अंदर क्या है, इंडिया यूनिट बनेगी, और दोनों देशों के बीच में 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। तो अभी आपको बता है, अब की बार जो हमारे गणतंत्र दिवस पर आपको बताया मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मिस्र का जो सर्वोच्च जो है सम्मान है वो ऑर्डर ऑफ द नाइल से इनको अलंकृत किया गया है। किसको, मोदी जी को। किस गायक को इंग्लैंड में बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? किस गायक को इंग्लैंड के अंदर है बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? ये किया गया शंकर महादेवन को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया गया है, शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। देखो, प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी BCU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में
उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इनको ये सम्मान दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जब ये किसी भी को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करंट के तौर पर पूछा जाता है। हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी क्वींस क्लब चैंपियन के विजेता बन चुके हैं? हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी क्वींस क्लब चैंपियनशिप के विजेता बन चुके हैं? और वो बन चुके हैं कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर डी। कौन बन चुके हैं? कार्लोस अल्काराज, ये है टेनिस खिलाड़ी और ये क्वींस क्लब चैंपियनशिप के विजेता बन चुके हैं। देखो, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज क्वींस क्लब चैंपियनशिप के विजेता बन चुके हैं। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डे मिनोर को हराकर, मिनोर को लगातार सेट में उन्होंने हराया और कार्लोस ने करियर में पहली बार कोई ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट जीता है। तो कार्लोस ने अपने करियर के अंदर क्या है, पहली बार कोई ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट जीता और फाइनल के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनार को उन्होंने लगातार में हराया है। तो ये किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चार नंबर देखो, किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखो, भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है, हैदराबाद के अंदर स्थित है ये स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है, जिसका उपयोग कंपनी के निर्माणाधीन विक्रम फर्स्ट रॉकेट में रोल एटीट्यूड नियंत्रण के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये भारत की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी हैदराबाद के अंदर स्थित है स्काई रूट एरोस्पेस ने क्या है, रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसके उपयोग के लिए जो कंपनी निर्माणाधीन के अंदर है वो है विक्रम फर्स्ट, उसको क्या रॉकेट के अंदर रोल एटीट्यूड नियंत्रण के लिए इसको किया जाएगा, किसको, रमन फर्स्ट का इसमें क्या सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए एमआरएनए आधारित बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की है? किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए एमआरएनए आधारित एक बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की और ये की है किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आपको बताया कोरोना से निपटने के लिए पहले इसको लॉन्च किया गया, ये वायरस है ओमिक्रॉन, ठीक है, इससे निपटने के लिए क्या है एमआरएन आधारित बूस्टर डोज एक वैक्सीन लॉन्च की गई है। देखो, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 24 जून 2023 को कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए एमआरएनए आधारित बूस्टर वैक्सीन की शुरुआत की है। कुछ दिन पहले इस वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इसकी मंजूरी मिली थी, यानी कि कुछ दिन पहले इस वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी थी। किससे? डीसीजीआई से, यानी कि भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में इसको मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत की जा चुकी है। किसकी? एमआरएनए आधारित बूस्टर डोज, किसके लिए, ये कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरियंट से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया और यह किया है आईआईटी कानपुर ने। इसने किया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। देखो, देश में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। आईआईटी कानपुर ने 23 जून को क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्या है, एक कृत्रिम बारिश कराने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इसके जरिए 5000 फीट की ऊंचाई से एक पाउडर गिराया गया जिसमें कृत्रिम बादल बन गए थे, यानी कि आईआईटी कानपुर ने ऐसा किया है कि क्लाउड सीडिंग के लिए उन्होंने परीक्षण किया और इस परीक्षण के तहत क्या 5000 फीट की ऊंचाई पर क्या एक पाउडर गिराया गया था, तो उस पाउडर से क्या वो कृत्रिम बादल बन गए और इस बादल पर उन्होंने कृत्रिम बादल पर एक बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है। किस लिए? क्लाउड सीडिंग के अंदर। किसने? आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना को एक संयुक्त कार्ड देने की घोषणा की है? लगा लो स्टार, पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा।
21 राज्य सरकार ने 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना को एक संयुक्त कार्ड देने की घोषणा की और ये की है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। किसने दी है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। अब इसका मतलब ये है जो आयुष्मान भारत योजना ये तो है केंद्र सरकार की और जो ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है ये है महाराष्ट्र सरकार की, लेकिन अब इन दोनों को क्या है संयुक्त कर दिया, एक संयुक्त कार्ड देने की घोषणा किसने कर दी? महाराष्ट्र सरकार ने कर दी है। कितने 12 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान इसमें की जाएगी। अब पूरी डिटेल देखो आपको समझ में आ जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना को एक साथ ब्रांड कर, यानी कि दोनों को एक साथ मिलाकर महाराष्ट्र राज्य में लागू करके प्रदेश के अंदर 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना का एक संयुक्त कार्ड बनाकर 5 लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा देने की घोषणा की। यानी कि इन दोनों योजनाओं को मिलाकर क्या है 12 करोड़ लोग तो आयुष्मान भारत योजना को गए और बाकी के ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना में 5 लाख की स्वास्थ्य सुधार देने की उन्होंने घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की और महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में राज्य के नागरिकों को अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना को शुरू की थी। जो ये आयुष्मान भारत योजना ये तो है केंद्र सरकार की और जो महाराष्ट्र सरकार की है वो है ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना। अब इन दोनों को क्या है संयुक्त कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो एक संयुक्त योजना किसने स्टार्ट कर दी? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो ये हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग ठाकुर के द्वारा खेल मंत्री हैं, इन्होंने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। देखो, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है और 2024 ओलंपिक जो दो खेल होंगे वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। कब होगे ये पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ चुका है कि 2024 के अंदर ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे, तो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। कब है? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसके लिए भारत इन पेरिस अभियान एक चलाया गया। किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अंदर भारत का इसमें 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 40वां स्थान है। देखो, भारत 3 रैंकों की मामूली गिरावट का अनुभव करने के बावजूद 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। 2022 के अंदर भारत का स्थान इसमें रहा था 43वां स्थान, ठीक है, 43वें स्थान था, लेकिन अब 40वें स्थान पर आ चुका है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा प्रकाशित 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर डेनमार्क पहले स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। तो सर्वेक्षण किए गए 64 देशों में ये सबसे टॉप पर रहे हैं। तो 3 देशों के टॉप वाले याद रखने, पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा आयरलैंड, तीसरा स्विट्जरलैंड, और भारत का कौन सा स्थान हो गया? इसके अंदर भारत का 40वां स्थान चुका है। किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है या टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी सूचना, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये कोई भी विद्यार्थी कंप्यूटर संगणक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो इसमें आपको जो वीकली वाइज है, तो जो संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है राजस्थान और प्लस इंडिया दोनों की, इसमें आपको टेस्ट सीरीज कल संडे के दिन परसों मिली थी ना, उसकी टेस्ट सीरीज इसमें डाल दी गई है, ठीक है। तो इसमें साल वाली करंट के अंदर भी आपको वीकली क्लास मिल रही है, लगातार वीकली टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। PDF भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर, और सूचना सहायक वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये किया है डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को, WHO के महानिदेशक हैं, इनको सम्मानित किया गया। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 127, 136, 116 या 150? इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है।
जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। निरंतर आपको क्लास मिल रही है बढ़िया तरीके से और बहुत जल्द ही आपके लिए अब सूचना सहायक भर्ती और संगणक भर्ती एग्जाम के लिए आपको राजस्थान प्लस इंडिया के एक MCQ क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज या कल तक आपको वो क्लास स्टार्ट है हो जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।